आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत पेशी। नैब हुकाम अदालत से शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड की इस्तदा करेंगे। राहदारी रिमांड मिलने पर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के लिए बुरी खबर। डायरेक्टर पैरागॉन कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार। कैसर अमीन भट्ट ने वादा माफ गवाह बनने के लिए नैब को दरखास्त दे दी। कैसर अमीन भट्ट की दरखास्त मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत पेशी। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में जाति उमरा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद गए। साफ पानी कंपनी करप्शन केस मुलजिमान राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। मुलजिमान पर महंगे दामों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ठेका और कागजात में तब्दीली का इल्जाम है। पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार सदारत करेंगे। 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद का जायजा। ज़राअत तालीम इंडस्ट्री नई लेबर पॉलिसी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज दौरे हुकूमत के मंसूबे पर नई हुकूमत भी अमल पैरा। बरकी बेदियां और गाजी रोड की तौसी का मंसूबा तैयार। LDA ने मनसूबे के PC-1 की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का कायदे आजम सोलर मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला। स्कूल सोलर मंसूबे की भी फिजिकल तस्दीक के अहकाम जारी। पंजाब काबीना से कायदे आजम सोलर मंसूबे के ऑडिट की मंजूरी हासिल की जाएगी। वजीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक। सत्तू कतला के इलाके में शौहर ने फायरिंग करके अपनी दो बीवियों को कत्ल कर दिया। मकतूल खवातीन में नसरीन बीवी और बुशरा बीवी शामिल। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। थाना गुजरपुरा की हदूद में हवाई फायरिंग मोहम्मद शहजाद और उसके साथियों ने की। फायरिंग की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। फायरिंग से इलाके में खौफो हरास, पुलिस खामोश तमाशाई। इल्म अदब का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। मारूफ शायरा अफसाना निगार और मुतरजम फहमीदा रियाज 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मारूफ शायरा कुछ अरसे से अलील थीं। फहमीदा रियाज लाहौर में अपनी बेटी के घर मुकीम थीं। ताज दारे हरम हो निगाह करम, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आका की विलादत का जश्न अलामा इकबाल टाउन में अंजुमन ताजिरान की जानिब से महफिल मिलाद का अहतमाम। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाऊ बशीर की रिहायशगाह पर भी महफिल मिलाद का इनाकाद। नात खानों की खूबसूरत और दिलफरेब आवाज ने समा बांध दिया। ऐ खत्म रसूल ऐ शाह रसूल शाह अंबिया शाह मदीना चमका दे मेरा दिल चमका दे मेरा दिल। जश्न ईद मिलादुन्नबी की पुरमसरत घड़ियाँ। मॉडर्न टाउन सी ब्लॉक में फूड स्ट्रीट सजा दी गई। हर खासो आम के लिए मुफ्त खाने दस्तियाब। देसी और रिवायती खानों पर मुश्तमिल 50 से ज़ायद डिशेज तैयार। इचरा बाज़ार में भी आशिकान रसूल के लिए मिनी फूड स्ट्रीट कायम। शहरियों के लिए हलवा पूरी बिरयानी बारबिक्यू और कश्मीरी चाय के स्टॉल लगाए गए। अनारकली में UC चेयरमैन हाजी इसहाक की जानिब से 200 पाउंड का केक काटा गया। खाने पीने के मुख्त स्टॉल भी सजाए गए।
سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، گلی محلے اور بازار ہر طرف جشن کا سما، رنگ برنگی جھنڈیوں، ماڈلز اور آرائشی اشیاء سے شہر سج گیا، سرکاری عمارتوں پر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگ، اسلام پورہ، اشرا، باغبان پورہ، لوہاری میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ماڈلز لوگوں کی توجہ کا مرکز، باغبان پورہ بازار میں پہاڑیاں سجائی گئیں۔ اور جشن عید میلاد النبی پر لاہور نیوز کی خصوصی کوریج، شاہدرہ سے کاہنہ تک، ٹھاکر نیاز بیگ سے جلو موڑ تک، شہر کے کونے کونے سے ریلیوں، جلوسوں اور محافل کی پل پل خبر سے لاہور نیوز کو رکھا گیا باخبر۔